हेलो, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। दिस इज उदय एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम वंस मोर इन डिवोटेड क्लासेस। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं अन्य वीडियो के साथ, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इम्फेटिक और प्रॉपर। ये चारों एडजेक्टिव आज मैं क्लियर करूंगा। फुल स्पीड फास्ट होगी, आप इसको समझने की कोशिश करें। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट अर्लियर आई अपलोडेड दिस वीडियो, बट ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द वीडियोज आर डिलेटेड। सो अगेन आई एम मेकिंग द सेम वीडियो। वेरी हमें खेद है कहते हुए कि इसके पहले मैंने ये सारे वीडियो बना दिया था एक बार, लेकिन सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो सारी लेट हो चुकी हैं। फिर से मैं उसी वीडियो को आपको यहाँ पर बना रहा हूँ, आप इसे अच्छे से देखें। आपका पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? क्या होता है? यहाँ पर नाम पर लिख सकते हैं ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी। ये चार वर्ड्स, दीज फोर वर्ड्स व्हेन द वर्ड्स ईच, आइदर एन ई आई टी एच ई आर, नाइदर, एवरी आर यूज्ड, टू हिंट टूवर्ड्स वन एट ए टाइम, आउट ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स आर थिंग्स, दे आर कोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल, देयर आर टेन गर्ल्स एवरी गर्ल हैज अ पेन, देयर आर फोर बॉयज वेलकम बैक। प्यारे भाइयों बहनों, हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहां पर हमने बताया ये चार वर्ड्स ईच, एवरी, नाइदर और आइदर, यही चार वर्ड विशेषकर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, व्हेन द वर्ड्स ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी आर यूज टू हिंट towards one at a time, out of two or more than two persons or things, they are called
डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव्स, जब ईच, एवरी, नाइदर और आइदर इन चार वर्ड्स का प्रयोग जब किसी नाउन के पहले किया गया हो और ये वर्ड्स एक साथ में किसी एक नाउन की तरफ या किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हों, मतलब दो या दो से अधिक रहेंगे लेकिन संकेत एक बार में एक ही तरफ करेगा और वो किसी नाउन के पहले यूज किए गए होंगे, तब वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, देयर आर 10 गर्ल्स, एवरी गर्ल हैज अ पेन, 10 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक के पास एक कलम है, प्रत्येक लड़की के पास एक कलम है, हैं यहाँ 10, लेकिन एक बार में एक के साथ ये का सेंस यहाँ पर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज़ हुआ, इसका मतलब ओनली वन सिंगुलर, तभी यहाँ पर हैज का यूज़ किया गया, क्लियर। ऐसे ही देयर आर 4 बॉयज, ईच बॉय हैज अ बैग, 10 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास एक बैग है, यहाँ पर 4 की बात किया लेकिन यहाँ पर ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के पास यानी एक की बात किया, हर एक यहाँ पर ये कसेंस दिया कई में से, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज़ हुआ है ये बैग, क्लियर। दूसरा एग्जांपल, नाइदर पेन इज गुड टू राइट विथ, मतलब मान लो दो कलमें थी, देर आर 2 पेन्स, नाइदर पेन इज गुड टू राइट विथ, मतलब दो कलमें हैं, कोई भी कलम ठीक नहीं है लिखने के लिए, फाइन, कहानी मतलब दो में से एक की तरफ संकेत किया, क्लियर। ऐसे ही चौथा एग्जांपल, अगर इसको कह दें आइदर पेन, EIDER, आइदर पेन इज गुड टू राइट विथ, यहाँ क्या मिलेगा आपको, दो कलमें थी और दोनों में से कोई भी एक जो थी वो लिखने के लिए ठीक थी, ठीक है, क्लियर। कहानी मतलब जब दो में से कोई एक की बात करे तो समझना वहाँ आइदर होगा, और जो दो में से कोई भी नहीं यानी निगेटिव सेंस जब दे तो वहाँ नाइदर का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा इसमें दो की ही बात करेगा जब बात आती है नाइदर और आइदर की, क्लियर, समझ गए होंगे। ये था आपका क्या, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए देखें अगला, इंट्रोगेटिव, INTERROGA एडजेक्टिव, इसमें शॉर्ट में बताएंगे ज्यादा विस्तार न करते हुए, व्हाट, विच और हुज, व्हाट, विच एंड हुज, दीज थ्री वर्ड्स व्हेन दे आर यूज बिफोर सम नाउन टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन दे आर नोन एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज यूज्ड टू आस्क, यूज्ड बिफोर ए नाउन टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, व्हाट पेन डू यू लाइक,
Which book is your choice? Which book is your FAVOU favorite? Which book is your favorite? ऐसे लिख सकते हैं. तीसरा, whose house is this? यहाँ मैंने तीन एग्जाम्पल दिए. What pen do you like? कौन सा कलम तुम पसंद करते हो? What pen? Which book is your favorite? यहाँ पर which book, कौन सी किताब. Whose house, किसका घर. Whose house is this? क्या मिला आपको? What के तुरंत बाद pen, तुरंत बाद book, और who तुरंत बाद house का यूज़ किया गया है. और ये काम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहे हैं. क्लियर? ध्यान रखिएगा, बुक के तुरंत पहले विच जो कि क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर हाउस तुरंत पहले हू जो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पेन के तुरंत पहले वाट जो कि क्वेश्चन वर्ड है, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तुरंत बाद इनके नाउन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए सारे के सारे क्या हो गए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए. क्लियर? ये था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए भाई, ये बहुत इजी है, बयात का खेल है. नो प्रॉब्लम, राइट एज फास्ट एज यू कैन, आई हैव टू कवर अदर एडजेक्टिव्स एज वेल. ये था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. इसके बाद बात करते हैं अगला, प्रॉपर एडजेक्टिव, पी आर ओ पी ई आर, प्रॉपर एडजेक्टिव. ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर मीन्स यहां पर प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव. इन अदर वर्ड, द एडजेक्टिव विच इज मेड अप ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव. द एडजेक्टिव विच इज मेड अप ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड अ प्रॉपर एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, इंडिया इंडियन, इटली इटालियन, अमेरिका अमेरिकन. क्लियर? क्या मिला आपको? यहाँ पर मैंने बताया ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बना हो उसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. देखिए यहाँ पर इंडिया से बन गया इंडियन, इटली से बन गया इटालियन, अमेरिका से बन गया अमेरिकन. क्या मिला हमें यहाँ पर? इंडिया क्या था? प्रॉपर नाउन, इसे बना इंडियन. इटली क्या है? प्रॉपर नाउन, किसी जगह का नाम. इटालियन प्रॉपर नाउन से बना इटालियन. अमेरिका जगह नाम अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, फ्रांस से फ्रेंच. क्लियर? ब्रिटेन से ब्रिटिश. सो मनी वर्ड्स वी हैव, ये सारे सारे वर्ड्स इंडियन इटालियन और अमेरिकन, ये सारे क्रमशः इंडिया इटली और अमेरिका से बने हैं जो कि प्रॉपर नाउन्स हैं, इसलिए सारे के सारे प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे. क्लियर? ये था प्रॉपर एडजेक्टिव. आइए देखते हैं अगला, क्विक एंड फास्ट, राइट फास्ट, प्लीज राइट फास्ट, आई हैव कवर अदर एडजेक्टिव्स एज वेल. प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद आपका आएगा इम्फैटिक एडजेक्टिव, ई एम पी एच ए टी आई सी. इम्फैटिक को कुछ बुक्स में इम्फेसाइजिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा शॉर्ट में कर दिए इम्फैटिक एडजेक्टिव. क्या होता है?
words, the words own vary and same. Used before a noun to lay emphasis. P-H-A-S-I-S. P-H-A. P-H-A. Emphasis. Emphasis on it. They are cold emphatic adjectives. Clear? इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं. पहला, गीता इज माई ओन सिस्टर. दूसरा, दिस इज द बेरी प्लेस, बेरी विलेज वेयर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न. क्लियर? यहां पर देखिए ध्यान से, जब ओन वेरी और सेम, ये कम से कम तीन वर्ड्स हैं, इनका यूज किसी नाउन के पहले जब किया जाता है और उस पर वो जोर डालते हों, तब उसको कहते हैं इम्फैटिक एडजेक्टिव. देखिए ध्यान से, यहां पर गीता इज माई ओन सिस्टर, ओन, और यहां बेरी विलेज, यहां दो वर्ड में लिया है ओन सिस्टर. गीता मेरी अपनी बहन है, हम तो इतना कह सकते थे गीता मेरी बहन है, तभी सेंस निकलता, लेकिन हम कह रहे हैं गीता इज माई ओन सिस्टर, मेरी अपनी बहन है. अर्थात यहाँ ओन क्या कर रहा है, सिस्टर पर जोर डाल रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है. इसलिए इम्फेटिक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन की पहले आया इसलिए एडजेक्टिव हुआ. अगला, दिस इज द बेरी विलेज वेयर क्राइस्ट वॉज बॉर्न. ये वही गाँव है, वही गाँव है, यानी ये बेरी वर्ड का मतलब बहुत यहाँ पर नहीं है, बेरी माने वही, यानी हम विलेज जो नाउन है बेरी के द्वारा इसमें हम जोर डाल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, इम्फेटिक एडजेक्टिव बन गया बेरी. समझ गए होंगे? तो ये था आपका इम्फेटिक एडजेक्टिव. क्लियर? नोट डाउन फास्ट, ये था इम्फेटिक एडजेक्टिव. कुछ और हो सकते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESIV, पजेसिव एडजेक्टिव. क्या होता है? संबंध या अधिकार को शो करने वाला एडजेक्टिव. किसी नाउन के पहले जब प्रयोग किया गया एडजेक्टिव हो और वो उसी पर संबंध या अधिकार को शो करे जिसके पहले वो यूज किया गया है, जिस नाउन के पहले, उसी को कहते हैं पैसिव एडजेक्टिव. क्लियर? एग्जाम्पल, माई, हिज, हर, योर, आवर, ETC. यही जो वर्ड हैं, जब किसी नाउन के पहले आए होंगे और उस पर संबंध या अधिकार को शो करते होंगे उसी नाउन पर, तब कहते हैं इसको क्या, पैसिव एडजेक्टिव. एग्जाम्पल, गीता इज माई सिस्टर. दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज हिज हाउस. तीसरा एग्जाम्पल, इट इज योर पेन. यहाँ योर पेन, यहाँ हिज हाउस, यहाँ माई सिस्टर, ये तीनों वर्ड क्या कर रहे हैं,
माई शो कर रहा है सिस्टर पर अधिकार, सिस्टर पर संबंध, ही शो कर रहा है हाउस पर अधिकार, और योर शो कर रहा है पेन पर अधिकार। क्लियर, ओनरशिप कहते हैं इसको। हमने बताया जब ये किसी नाउन के पहले आएंगे और जब उसी पर ये अपना अधिकार शो करेंगे तब समझना कि ये पैसिव एडजेक्टिव होंगे। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, पैसिव एडजेक्टिव्स हैं। क्लियर, अब एक मेरी समझ से रह गया है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ए डी जे सी टी आई वी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाम से स्पष्ट है जो नंबर को शो करता हो, किसकी, किसी नाउन की या किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान, इसको हम गिन सकते हो, उसकी संख्या को शो करता हो, उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिभाषा ज़्यादा जरूरी इसकी नहीं है, हमने फिर भी समझा दिया। बाकी एडजेक्टिव नंबर जो अलग से दो प्रकार के होते हैं, पहला डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दूसरा इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये क्या हो सकता है, वन टू थ्री फोर, ये जितने भी ये सारे हैं डेफिनेट जो नंबर्स को शो करेंगे। एग्जांपल ले सकते हैं, टेन बुक्स फोर पेंस, ये टेन और फोर क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। अलग से भी इसमें हम तीन ग्रुप कर सकते हैं, पहला हो जाएगा कार्डिनल, इसमें आएगा वन टू थ्री, दूसरा ऑर्डिनल, ये आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, और तीसरा मल्टीपल, एम यू एल टी आई पी एल ई, मल्टीपल टाइप यानी वन फोल्ड टू फोल्ड थ्री फोल्ड, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स, ये सारे तीन प्रकार अलग से होते हैं, किसके, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। कार्डिनल वन टू थ्री फोर, इस तरह की जो निश्चित संख्या होगी कार्डिनल के हैं काउंटिंग नंबर को, बस जब उसी रोमन नंबर में लिखेंगे ऑर्डर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएंगे ऑर्डिनल, और जब वही मल्टीपल टाइप के हो जाएंगे वन फोल्ड टू फोल्ड, एक गुना दो गुना तीन गुना, ऐसे कहेंगे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स फोर टाइम्स, तो ये सारे मल्टीपल टाइप हो जाएंगे। वैसे नंबर तो अनेक प्रकार की होती है, प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ये दुनिया भर की नंबर होती है। हम मैथ्स की दुनिया में ज़्यादा प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ जो ग्रामर के हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्लियर, ये था आपका डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काइंड्स। उसके बाद बात आती है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें आपके आने वाले सम, मैनी, एनी, ऑल, ओके, अलॉट ऑफ, ए नंबर ऑफ, ओके, ये सारे वर्ड जो हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। सेवरल, यस सेवरल, ईटीसी, ये सारे वर्ड जो हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। क्लियर, निश्चित नहीं होगा कितनी संख्या है, जैसे आई हैव सम बुक्स, अब सम कितनी बुक पता नहीं चल रहा है, सम बुक्स कुछ है पता नहीं कितनी है, फाइन। दूसरा एग्जांपल, गीता हैज अ लॉट ऑफ मनी, गीता के पास अ लॉट ऑफ मनी, अधिक, बहुत अधिक पैसे हैं, कितने पैसे पता नहीं है, क्लियर नहीं, डेफिनेट नहीं है, तो इसको कहते हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर, इस तरह से मैंने आपको आज एडजेक्टिव के सारे काइंड्स यहाँ पर क्लियर कर दिए। क्लियर, फिर से समझ लीजिए एक बार, एडजेक्टिव इनिशियली आई टोल्ड यू एडजेक्टिव्स आर ऑफ 10 काइंड्स, यू कैन हियर, यू कैन लिसन वंस मोर,
First is adjective of quality. Second is adjective of quantity. Third is we have interrogative adjective. Fourth, distributive adjective. Fifth, interrogative adjective. Sixth, distributive adjective. Seventh, proper adjective. Eighth, we have emphatic adjective. And tenth, we have extremity adjective. ये 10 kinds of adjective मैंने शुरू में लिखाया था. आज मैं सारे adjectives के यहाँ पर explain कर दिया. Any doubt? If you have, you write it in the comment box. I will solve your problem. यहाँ पर आपका chapter जो adjective है वो over होता है. बाकी correct use आएगा adjective का. इसे हम जब पढ़ाएंगे आपका correct use, दूसरे word में syntax जब हम पढ़ाएंगे तब इसे हम आपको डिटेल में कैसे किस एडिट का यूज़ करना है उसे हम अच्छे से आपको वहाँ समझाएंगे. अभी हम कर रहे हैं बेसिक. ओके, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. द हेडिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. हियर द चैप्टर एडजेक्टिव इज ओवर. नाउ माय एडवाइस इज यू लर्न दीज डिफिनेशंस बाय हार्ट. फर्स्ट यू लर्न, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल एंड इन डीप. पहले तो उसे आप अच्छे से समझें, पहले उसको याद कर जाएं. याद करने के बाद फिर उसको उस पॉइंट को अच्छे से समझिए. और फिर अगर आपके पास कोई ग्रामर की अच्छी बुक हो तो उसके पीछे एक्सरसाइज लिखी होंगी जहाँ काइंड खत्म होता है उसके बाद एक्सरसाइज भी मिलती हैं. एक्सरसाइज वहाँ से आप लोग करें. हालांकि हम भी टर्न करेंगे. अभी जब पढ़ाएंगे एडवांस्ड इंग्लिश तब हम आपको पढ़ाएंगे कैसे जो है सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ किया जाता है. सो दैट्स इनफ फॉर टुडे. एनी ब्रदर एंड सिस्टर हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई मे गिव यू माई वीडियो फर्स्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंटिल आई गिव यू नेक्स्ट वीडियो you keep on laughing, smiling, enjoying life and practicing more and more. Now it's time to say bye bye, see you, take care.